नमस्कार ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दलित न्यूज नेटवर्क के वरिष्ठ पत्रकार हैं वैभव जी। वैभव जी, पहले तो आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैभव जी, एक बात बताइए, आपका चैनल अधिकतर बहुजन समाज की बातें ही दिखाता है, तो क्या कारण है कि अलग चीज़ों को दिखाने के अलावा वो सिर्फ बहुजन बात ही दिखाता है? देखिए, अगर हमें हेल्प करनी है समाज की और हमें पत्रकारिता करनी है, तो हमें उन मुद्दों को छोड़कर जिनके ऊपर टीवी तवज्जो दे रहा है जी, उनके ऊपर काम करना होगा। अगर हम बाकी चीज़ें हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, वो तो टीवी भरमार कर रखती है ना उसमें। और फिर अगर हमारे चैनल्स पे वही हिंदू मुस्लिम हो, वही एक तरह से उनका माइंड वॉश करा जाए, तो फिर बहुजन चैनल हुए किस काम के? तो हमें अपना जो टॉपिक्स हैं वो छांटने चाहिए, और टीवी जो दिखाई दे रहा है, जो उसने दिखा दिया सारे चैनल्स ने, उस पर हम काम कर क्या करेंगे? जो वो नहीं दिखा रहा, जिसकी वो अवहेलना कर रहा है, हमें उस इशू पे काम करना। बिल्कुल ठीक है। वैभव जी, एक बात बताइए, आप अधिकतर मैं देखता हूँ कि बहन जी को प्रोग्राम कैप्चर करते हैं, या फिर जितने भी बीएसपी लीडर्स हैं उनको कैप्चर करते हैं, पूरा एनालिसिस भी दिखाते हैं, तो अभी जो गठबंधन हुआ है इससे क्या समीकरण रहता है आपके नज़रिए से? क्या लगता है कि जो गठबंधन हुआ है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है बसपा के साथ, जो गठबंधन हो रहा है, मतलब क्या लगता है कि 2019 में इसका क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, गठबंधन से पहले हमें पीछे जाना चाहिए। कैराना में चुनाव हुए थे, उपचुनाव गोरखपुर में हुए थे, फुलपुर में हुए थे। एक बार हम कैराना और गोरखपुर उपचुनाव से पहले भाजपा के नेताओं की जो बयानबाजी थी उसको देखें जी। ये विकास के मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये विकास की बात करके इन्होंने प्रचंड बहुमत लिया था, लेकिन जब उपचुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां हाल ही में 2017 में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई राज्य में, फिर आप विकास छोड़ देते हैं, आप सांप सुचुंदर पे आ गए थे जी। आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप सुपनवा कहते हैं किसी को, आप बसपा प्रमुख बहन मायावती के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जी। तो इनका जो मनोबल है वो गिरा हुआ है, और अब जो गठबंधन हुआ है 38-37 सीटों की लिस्ट आ चुकी है, वो देख लीजिएगा। 2014 के अगर आंकड़ों से आप कंपेयर करेंगे ना, तब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं दिखती। हालांकि 2014 जितना वोट भाजपा को नहीं मिलने वाला है, पिछले 4 साल में जनता ने एक एक बात को ध्यान से देखा है, अब वो इनकी बात को सुनती है और इनका मैनिफेस्टो निकालती है, पुराना इनके पुराने स्टेटमेंट निकालती है और फिर परखती है। वैभव जी, एक बात बताइए, जैसे अभी बहन जी के ऊपर मूर्तियों का ऊपर करा था, और ममता बनर्जी के ऊपर भी CBI की रेड पड़ी थी, तो इस तरीके के कार्यों से क्या लगता है कि बहुजन समाज की जो पार्टीज़ हैं या जो बहुजन समाज के लीडर्स हैं, उनका ग्राफ नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बसपा का समर्थक हो या ना हो, ममता बनर्जी का समर्थक हो ना हो जी, अब बहुजन समाज में एक तरह से कोहेजन हुआ है, एकजुटता आई है, आपस में उनका एक तरह से टुगेदरनेस आई है जी। वो क्यों आई है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो 13-point रोस्टर का मामला आया, उसके अंदर OBC भी उतना ही आहत है, और जो बाकी इश्यूज निकल कर आए जिस तरह के, उसमें OBC को भी समझ में आया कि हमें भी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी चाहिए। अब एक टिप्पणी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा, चीफ जस्टिस द्वारा, बल्कि जस्टिस गोगोई, कि क्यों ना पैसा वापस ले लीजिए। वो एक वर्बल रिमार्क था, कैजुअल रिमार्क था, उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल एक तरह से इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? TV चैनल्स ने एक साथ उसको फ्लैश कर दिया कि बहन जी को पैसे करने होंगे वापस, और जब गौर से देखा, उसको पढ़ा, तो पता लगा ऐसा कुछ नहीं था। तो पूरा बहुजन समाज देख रहा है, 2019 के चुनाव सामने हैं, 5 साल की उन्होंने भाजपा की सरकार भी देख ली है, आने दीजिए, समय बताएगा वो। अगर जी, एक बात बताइए, जैसे आपने 13-point रोस्टर की बात करी, अगर 13-point रोस्टर की बात करते हैं, तो पहले SC ST की वोट ही अधिकतर BSP को मिलती थी, OBC की वोट बहुत ज़्यादा जगह डाइवर्ट हो जाती थी, तो क्या इस 13-point रोस्टर से BSP को कुछ ना कुछ मजबूती मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखिए, पिछले 5 सालों के दौरान जितने भी मुद्दे उभर कर आए हैं, चाहे वो SC ST Act का मामला हो, चाहे वो 2 अप्रैल के भारत बंद हो, हमारे बहुजन समाज के 13 बच्चों को या तो पुलिस की गोली से या उपद्रवियों की गोली से उनकी आपने हत्या कर दी जी, मुआवजा नहीं घोषित किया आपने जी। क्यों? पुलिसिया गोली से एक तरह से आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही तो हुआ ये जी। फिर और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो मुद्दे हैं और जो समाज इसको देख रहा है बारीकी से, सपा बसपा का वोट कटा करता था पहले, जब वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे ना, उस समय में 2009-2004 के अगर हम आंकड़े देखें लोकसभा चुनाव के, तब वो अच्छी सीटें लेकर आते थे, भाजपा 10-10 पे टिका करती थी, ये बात मैं लगातार बता रहा हूँ अपने चैनल पर जी। तो फिर 2014 के तो आंकड़े बेकार हो जाएंगे, और एक ज़बरदस्त परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आप थे वैभव जी दलित न्यूज़ नेटवर्क से, जो बहुत अच्छी बहुजन की बात को दिखाता है और बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बात करता है बहुजन समाज की। हमारे चैनल से बात करने के लिए वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।